धरती के एक कोने पर उद्भव हुए मानव ने धरती की हर जगह खोज लिया। इंसान के जानने की इच्छा के कारण से जो जगह पर अनफेवरेबल कंडीशंस है, जैसा नॉर्थ और साउथ पोल्स, समुद्र के निचले भाग, एवरेस्ट शिखर जैसे जगह के साथ साथ दूसरे प्लैनेट्स पर भी जाकर आ रहा है। यह जानकर किसी को भी आश्चर्य होगा, लेकिन इंसान धरती की एक जगह पर जाने के लिए विमुख है। वो है अंडमान के सेंटिनल आइलैंड्स, जहां कई लोग गए थे लेकिन वापस आए नहीं, और ना ही उनके बारे में कुछ पता चला। 60,000 ईयर्स पहले से रहने वाले यहाँ के ट्राइब्स वहाँ आज भी किसी को भी आने नहीं देते हैं। 1850 में एक ब्रिटिश ऑफिसर ए आइलैंड के किनारे पर घूमते हुए सिक्स ट्राइब्स को जबरदस्ती अपने शिप में लाकर नॉर्मल इंसान के तरह उनके हैबिट्स, ड्रेसिंग और लिविंग स्टाइल बदलने की कोशिश किया, लेकिन कुछ ही दिन में उनमें से दो मर गए और बाकी चार भी अस्वस्थ होने से उन चारों को वापस सेंटिनल आइलैंड्स में छोड़ दिया गया। फिर इंडिया को इंडिपेंडेंस आने के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई ने अपने कुछ ऑफिसर्स को इस आइलैंड पर लोगों के बारे में और उनके सिविलाइजेशन के बारे में जानने के लिए भेजा, लेकिन वहाँ के लोग इस ऑफिसर्स पर बाण चलाने से ये ऑफिसर्स घायल होकर वापस आ गए थे। इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद मधुबाला चट्टोपाध्याय नामक एक लेडी सेंटिनल आइलैंड्स के लोगों के बारे में जानकर वहां जाने के लिए तैयार हो गई थी। कुछ ऑफिसर्स के साथ मधुबाला चट्टोपाध्याय सेंटिनल आइलैंड्स पहुंचने के पहले से ही कोकोनट्स को किनारे पर फेंकना शुरू किया। कोकोनट्स फेंकना मतलब सेंटिनल आइलैंड्स वासियों के साथ फ्रेंडशिप मांगना। कुछ समय बाद आइलैंड के कुछ लोग बाहर आकर ये कोकोनट्स को एक्सेप्ट करते हुए मधुबाला के फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट कर सिर्फ मधुबाला को अपने आइलैंड पर आने का मौका दिए, और मधुबाला उन लोगों के साथ एक दिन बिताकर वापस आ गई। 2004 में सुनामी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड वासी की सेफ्टी के बारे में जानने की कोशिश की और एक हेलीकॉप्टर में कुछ ऑफिशियल्स वहां गए, लेकिन फिर वहां के लोगों ने हेलीकॉप्टर पर बाण चलाने से वापस आ गए। इससे इंडियन गवर्नमेंट समझ गए कि यहां के लोग सुरक्षित हैं। इससे और एक बात भी स्पष्ट हुई कि यहां के लोग नेचर से कितना कनेक्टेड होंगे कि सुनामी का संकेत समझ गए और सुरक्षित जगह पहुंच गए। बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को रेस्ट्रिक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया। 65,000 ईयर्स पहले यहाँ के लोग कैसे थे, आज भी वैसे ही है। बाद में जॉन एलन नामक एक अमेरिकन ने 2018 में सेंटिनल आइलैंड्स जाना चाहा और केरला के कुछ फिशरमैन की मदद मांगा। जॉन एलन फोर्स करने पर ये फिशरमैन थोड़ी दूर जाने के बाद एलन को और एक बोट में बेचकर वापस आ गए। जॉन एलन को अपने आइलैंड पर देखते ही वहां के लोगों ने उनको बाण चलाकर मार डाले। इससे क्रोधित हुए अमेरिकन गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट पर टूरिस्ट मर्डर का केस बनाया, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड एरिया पर जाना एलन की गलती कहकर इंडियन गवर्नमेंट ने आंसर देने से अमेरिकन गवर्नमेंट शांत हो गई। इन घटनाओं से इस आइलैंड पर जाने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाने लगे। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.